मेरठ पुलिस ने थाने के राबोदी में गुटखा गोदाम में छापेमारी कर 15 लाख रुपए का गुटखा जब्त कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1,92,300 रुपए कीमत का गुटखा व अन्य कीमती सामान भी जब्त किया था। पिछले हफ्ते 27 अप्रैल को मीरा रोड थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कोठामायर ने अपनी टीम के साथ आरबी के स्कूल के पास जाल बिछाया था और 22,000 रुपए के साथ रिक्शे में 61,560 रुपए की कीमत का गुटखा जब्त किया था और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इस संबंध में मीरा रोड थाने में यह मामला दर्ज किया गया है, पूछताछ अभी की जा रही है। वहीं पुलिस निरीक्षक कोठामायर ने बताया कि वह गोदाम से गुटखा बेचने के लिए लाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार मीरा रोड पुलिस ने बुधवार को थाने के राबोडी में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर सचिन कोठामायर, सब इंस्पेक्टर मिलिंद बोरसे, सब इंस्पेक्टर किरण पंजारी के साथ मिलकर एक टीम के साथ गोडाऊं में छापा मारा और गुटखा जब्त किया है। तंबाकू और पान मसाले की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। यह पूछताछ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय सिंह बाघल के मार्गदर्शन में की जा रही है। बरसात से पहले नाला सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। जिन नालों में मैंग्रोव के पौधे हैं उनमें से हाथ नहीं डाला जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुर्दा खाड़ी नाला की सफाई पूरी कर ली गई है, जबकि पूरा का पूरा नाला कचरे से पटा हुआ है। मुर्दा गांव, मुर्दा झोपड़पट्टी, जय बामन देवनगर से बरसात का पानी इसी नाले से होकर खाड़ी में जाता है। नाले में कहीं कहीं मैंग्रोव के पौधे हैं और ये पौधे काटना कानूनन अपराध है, इसलिए ऐसे नालों को बोट की मदद से साफ किया जाता है, जिसमें मजदूर और मेहनत दोनों ज्यादा लगता है। इससे बचने के लिए ठेकेदार ऐसे नालों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। नाला सफाई के नाम पर जो भाग दिख रहा है उसी में सफाई की जा रही है और बाकी का ऐसे के ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। नतीजतन जब बरसात होगी तो ये शहर पानी में डूब जाता है। मुर्दा खाड़ी झोपड़पट्टी के निवासियों का कहना है कि पिछली बार भी हमने इसकी शिकायत मनपा से की थी, अखबारों में खबर भी छपी थी, लेकिन नाला साफ नहीं हुआ था। बरसात हुई तो नाले का गंदा पानी और बदबूदार काला पानी हमारे घरों में भी भर जाता है। इस बार भी ऐसा होने की आशंका लग रही है और हमें डर भी लग रहा है कि इस बार भी वही होगा। दूसरे मौसम में नाले के आसपास भी गलियों में नाले का पानी कभी कभार भर जाता है, तो सोचिए कि बारिश में क्या होगा। उपायुक्त रवि पवार का कहना है कि जिन नालों में मैंग्रोव के पौधे हैं उन पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए बोट या बोट पोकलेव की मदद से पूरी तरह से साफ किया जाएगा। भेंदरपुर में स्थानीय पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन ड्यूटी होने का दावा करने वाले दो व्यक्तियों ने एक 27 वर्षीय किराना दुकान के मालिक को धमकी दी और उसे 18,000 रुपए लूट लिए। आरोपी ने उन पर प्रतिबंध गुटखा उत्पाद बेचने का आरोप लगाया था और उन्हें इस अपराध में फंसाने की धमकी दी थी। पीड़ित की पहचान विनोद मौर्य के रूप में हुई है, जो मीरा भेंदर शहर में खुदरा दुकानों में किरानों का सामान आपूर्ति करवाता है। बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे वह दोपहिया वाहन से सामान पहुंचाने जा रहे थे, तभी भेंदरपुर के इंद्रलोक क्षेत्र के पास दो लोगों ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के रूप में अपना परिचय देते हुए उन्होंने उसे एक ऑटो रिक्शो में बिठाया, जबकि विनोद ने बार बार उनसे कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। दोनों ने गुटखा बेचने के झूठे आरोप में उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी और जेल में डालने की भी। साथ में विनोद अपने साथ 18,000 रुपए की वसूली करके ले जा रहा था। वो दोनों ने विनोद से 18,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। उसके बाद उसने शिकायत भेंदरपुर के नवगढ़ पुलिस चौकी में की। अभी तक पहचाने जाने वाले दोनों के खिलाफ IPS की संबंधित धाराओं के तहत प्रतिरूपण और जबरन वसूली का अपराध दर्ज किया है। नवगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है।